सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो सीन ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज अभी इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो मैं उठा था हम लोग चले इंशाल्लाह वोट डालने के लिए। तो वोट कैसे कैसे देना है, सबसे पहले तो एक काम था कि पर्ची बनानी थी, पर्ची पहले बना रही और वोट इंशाल्लाह देके बताते हैं। तो उससे पहले एक हाईलाइट देते हैं कि ईया का नाबुदू व ईया का नस्तैन, वोट हम लोगों ने ऐसी पर्सनैलिटी को देना जिसने ये कहा। सो थैंक यू सो मच। तो सीन बेसिकली ये है कि मैं ये रहा छोटा भाई, ये देखो अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम बैठ गए गाड़ी में और हम जा रहे हैं वोट देने के लिए, और खान साहब तेरी वजह से, और मेरी मामा भी आ गई और कह रही खान साहब आज तेरी वजह से पहले जा रहे हैं और सामने बैठे हुए हैं अब्बा जी गाड़ी चला रहे हैं, साथ मामा बैठी हुई है, सही हो गया। तो जैसे जैसे हिसाब किताब होता है ना, तो मैं आप लोगों को सबको बताता हूँ कि मैं साथ साथ टिकटॉक वगैरह वाले अपने जो भी देखने वाले उनको गाइड करता रहूंगा कि क्या क्या हिसाब किताब है, कैसे कैसे उठा मैं वोट देने का सीन क्या हुआ पापा। तो सीन ये हुआ कि मैं बाहर निकला हूँ अभी, तो मैंने देखा जैस का इंटरनेट ऑन किया मैंने, तो इन लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज कर दिए बंद। पाकिस्तान में इलेक्शंस की वजह से इंटरनेट सर्विसेज हो गई हैं बंद। सो जो जो रिकॉर्ड करूँगा उसको फिर कंपाइल करके ना फिर मैं एक ब्लॉग के तौर पे यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा, और छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ना छोटे छोटे क्लिप वो फिर मैं टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट पर शेयर करूँगा, कौन है ठीक है, तो ताकि हम लोगों को इशू ना हो आगे जाके कोई। सो तो ये कार्य है कि पर्ची अगर आपके पास हो तो आपको किसी किस्म का ना इशू नहीं फेस करना पड़ता, तो पर्ची बना क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है उन्होंने बगैर, तो उन्हें जैस वो नहीं है जैस के चल ही नहीं रहा वो, मैंने पूरी सी डाल डाल के आ रहे हैं। सो बेसिकली ये जो सेंटर है ये है जो कि जहाँ पे मम्मा का वोट कास्ट होना है, मुझे दे दे आप। मेरा सेंटर है गाड़ी मुझे दे दे। जो है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, ठीक है। सो मम्मा जा रही है वोट देने के लिए, पापा मम्मा को वोट दिलवाने लेके जा रहे हैं कि प्रॉपर पापा ने मम्मा को गाइड किया कि कैसे वोट देना है अपने, कैसे वोट नहीं देना, सही है। तो एक मिनट। सो अब बाकी जो सीन है वो ये कि साथ साथ जैसे जैसे हिसाब किताब होता है जहाँ जहाँ मेरा वो बनता है, जहाँ जहाँ सबका बनता है। सो फाइनली आपके भाई ने कर दिया वोट कास्ट, सही है। तो सीन ये था कि मेरा जो सेंटर था वो वहाँ पे बना था, इधर पर वर मॉडल हाई स्कूल बना था, ठीक है। तो उधर हम लोगों ने वोट कास्ट किया, तो ये रहा उसका वो, और बाकी सारे का सारे इस पर्ची ने काम किया। तो बाकी जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हिसाब किताब हुआ है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को घर जाके बताऊंगा। तो सीन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो देख रहा था जिसको हम लोग देखना चाहते थे वोट देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने उसी को साथ दिया है। बाकी इंशाल्लाह जो जो हिसाब किताब हुआ मैं आप लोगों को घर जाके बताता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे आपको बता। बाकी कबीर और पापा का वोट रह गया, अभी मम्मा का और मेरा वोट हो चुका है, मेरा था गवर्नमेंट मुस्लिम पता नहीं इसलिए कुछ था, और बाकी पापा और मोमिन का है किप स्कूल, तो वहाँ पर जैसे ही उनका होता है ना तो मैं आप लोगों को उनको भी वीडियो में रहता हूँ, बाकी टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को बताता रहता। तो नाज़रीन और अकराम वोट वगैरह दे के आ चुके हैं, मम्मा मेरे साथ बैठी उन्होंने भी वोट दे दी है, तो अब हम वेट कर रहे हैं। देखो ये लो जी इन्होंने दिखा दिया, उन्होंने वोट दिया है, बाकी अब हम लोग किप स्कूल के बाहर वेट कर रहे हैं। वो है जी अब्बा जी का वोट वहाँ पे हो रहा है, वो देखो सामने वो अब्बा जी यहाँ पे गए हुए हैं किप स्कूल वोट देने के लिए। तो वो आते हैं तो उनसे तासरात पूछते हैं, बाकी ये देखो ये भी लग गया, हमारे भी दिखा दिए, बाकी आपको कैश करते हैं घर जाके बता दूँगा सिर्फ तरीक़ेकार क्या हुआ। लो जी पापा और मम्मी साहब आ गए, क्या बात है, किसको वोट डाले आपको पता क्या? तो नाज़रीन और अकराम अब्बा जी और मैंने वोट दे दी है, अब हम क्या करने के लिए आए हैं पापा? नाश्ता। अब हम नाश्ता करने के लिए आए हैं, ठीक है। हमने कहा वोट देने के बाद थोड़ा सा पेट पूजा की जाए। सो हम लोग यहाँ पे आए थे, बेसिकली यहाँ पे है बड़ा मशहूर अजमेर के नाम चले यहाँ पे, तो वहाँ पर आए हैं। तो क्या पापा नाश्ता वाश्ता कर लिया, वोट दे दिया, विलो दे दे। अब विलो किधर? इलायची वाली अपनी विलो दे इसके लिए, पेश करें यार, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है यार। सो यार फाइनली वोटिंग वगैरह का सिलसिला कार पूरा हुआ। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को आगे तरीक़ाकार बताऊंगा कि वोटिंग हम लोगों ने डाली कैसे, तो वोट बेसिकली सिंपल प्रोसीजर था, प्रोसीजर वाली बहुत सिंपल था, लोग बहुत हम्बल थे। गलत बात क्यों करूँ मैं गया हूँ वहाँ पर, तो दो तीन चीज़ें बड़ी जो कि मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जब मैं क्या नाम है देने के लिए गया, तो
जैसे कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो मुझे एक भाई मिले जिन्होंने मुझसे बोला कि वो कॉप के ऊपर और आपने उसके ऊपर वोट लगाना है। तो बेसिकली ये आवाम का राइट है कि वो डिसाइड करे किसे लगाना है। तो मैंने उनको वैसे जवाब दिया, ये मेरा हक है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल डिसीजन है कि किसको वोट देना है। और सेकेंडली जब मैं वोट दे के बाहर निकल रहा था तो मुझे एक लड़का छोटा सा लग रहा था, तो वो वोट देने के लिए आया हुआ था। तो उससे किसी ने कहा तुम तो छोटे हो, पुलिस वाले ने क्योंकि जो एंट्री करी थी, उसने कहा आईडी कार्ड लेकर आया हूँ और खान को वोट देना है। सो ये चीज़ें कुछ अट्रैक्टिव सी थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले मैं गया तो उन्होंने मेरी पर्ची चेक की कि उसके ऊपर क्या क्या नंबर्स वगैरह लिखे हैं, शुमारियाती कोड, ब्लॉक कोड, हल्का नंबर, ये वो। उसके बाद मैं गया आगे, उन्होंने क्या नाम है, आपका भला करे, मेरा नंबर मुझे चेक किया, उन्होंने वहाँ से कैंसिल किया मेरा जो क्योंकि मेरी एंट्री की। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि सामने बूथ में जाना, उन्होंने मेरा थम्स वगैरह लिए, ये क्या नाम है, ये तो मेरा था उसका निशान है वोट का। एंड उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे दो पेपर्स दिए जिसको उन्होंने कहा कि साइड पे एक बूथ बना हुआ था, वहाँ जाकर आपने अपनी मर्जी से वोट करना। तो मैंने सोचना ही नहीं था, मैंने मेरी क्योंकि घड़ी था तो मैंने दोनों पर वोट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह वोट दे के बाहर निकला। सो बाकी अब रिजल्ट का वेट करते हैं, तो तब तक अपना ख्याल रखना और दुआ में बहुत याद रखना और दुआ करना कि जीत सच्चाई की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसे ब्लॉग्स वगैरह मैं लाता रहूँ। थैंक यू।